आज हम लोग इतनी सात सागर पार कहते हैं, सात समंदर पार बोलते हैं लोग, इतनी दूर हम लोग यहाँ कनाडा में बैठे हैं, लेकिन हमारा भारतवर्ष और हमारी भारतीय संस्कृति, खासकर जब आप कितनी ही बार अमावस्या के दिन, आज कई स्थानों पर अभी इस समय सूर्य ग्रहण है, आज अमावस्या है, तो सूर्य ग्रहण का भी कहीं 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 है कहीं नहीं है, तो सूर्य ग्रहण पर कितनी कुरुक्षेत्र में भीड़ हो जाती है भारतवर्ष में, और कोई भी ग्रहण पड़ता है तो हमारी जो संस्कृति है, थोड़ा मैं बता दूँ, आवश्यक होता है तो कहना चाहिए, सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले अन्न नहीं खाया जाता, सूतक लग जाते। चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले, घंटे का मतलब होता है उसमें प्रहर होते हैं, 4 प्रहर सूर्य में और चंद्रमा में 3 प्रहर माने जाते हैं, 3 प्रहर पहले, ऐसी परंपरा है, प्रथा है। हम लोग ऋषि के हरिद्वार में रहे, काशी में रहे, तो वहाँ हमने देखा। तो लेकिन हम लोग यहाँ बैठकर जो भी कर सकते हैं, लेकिन उन बातों को स्मरण करना चाहिए। एक विशेष बात जो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि हम लोग भारतवर्ष में दर्शन करते हैं तीर्थों का, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव, सप्तईता, मोक्षदायिका, 7 पुरी हैं, 7 भारतवर्ष में, भारत 7 पुरी, वो 7 पुरी मोक्ष देने वाली हैं, गिन लीजिए, याद रखना। आपसे कोई पूछे ये क्वेश्चन है बड़ा अच्छा, 7 पुरी कौन सी हैं, पुरी आप कोई नाम बताइए किसी पुरी का, जगन्नाथपुरी, जनकपुरी नहीं है, जगन्नाथपुरी आपने नाम बताया, बहुत अच्छा, और कोई, द्वारकापुरी, वेरी गुड, ताली बजाओ एक बार के लिए, और क्या, देखिए याद रखना चाहिए अपनी संस्कृति, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, और कोई, अयोध्या, वेरी गुड, देखो 3 आपको याद आ गई, अब भूले, ऐसे बताने से भूलेंगे नहीं आप, अब याद रखेंगे, तो अयोध्या हो गई, द्वारका हो गई, जगन्नाथपुरी, और कोई, मथुरा, 4 हो गई, वेरी गुड, वृंदावनपुरी नहीं है, रामेश्वरम धाम है, 4 धाम में से आते, 7 पुरी हैं, 4 धाम हैं, हाँ, 4 आप देखो, 4 आपने बताई है, हाँ बनारस, बनारस नहीं, उसको काशी कहते हैं, वो भी 5 हो गए, देखो 5 तो आपने बता दिए, और याद कीजिए, आपने 5 ठीक बता दिए, चलो 2 मैं बताता हूँ, आप फिर से गिन लीजिए एक बार, हमारे संस्कृत का मैंने अभी श्लोक अभी आपको बोला था, अयोध्या, एक क्रम, ये श्लोक में लिखा है किसी विद्वान ने, अयोध्या, व्यास जी ने कहा है, अयोध्या, मथुरा, माया, मायापुरी, मायापुरी कौन सी है, जनकपुरी के पास है मायापुरी, नहीं नहीं वो दिल्ली में नहीं, मायापुरी कलकत्ते में है, नहीं नहीं उड़ीसा में है, नहीं नहीं मायापुरी कौन है बताओ, नहीं नहीं सुनी, सुनी तो है हमने, ये पता नहीं आपको, ये हाँ ये बात है, ये बात, तो अयोध्या, मथुरा, मायापुरी का नाम आप याद कर याद रखना हमेशा, मायापुरी हरिद्वार को कहते हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, 3, काशी, एक जो आप भूल गए थे, प्रयागपुरी नहीं है, प्रयाग तो तीर्थ राज है, तीर्थ प्रयागराज तीर्थों का राजा है, देखिए वो विषय अलग होता है, लेकिन हम जो ये जो चाहते हैं, ये जो 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 चीज़ है, 7 पुरियाँ, 4 धाम, तो एक बार याद कर लीजिए, अयोध्या नंबर 1, मथुरा 2, माया माने हरिद्वार 3, काशी 4,
अयोध्या मथुरा माया काशी कांचीपुरी साउथ कांची, जैसे काशी विश्वनाथ है, काशी में वहां पर कांची विश्वनाथ है। हाँ जी, हाँ हाँ, कांचीपुरी है वो। तो अयोध्या मथुरा माया काशी कांची पांच हो गए, और एक जो आप भूल गए थे वो है अवंतिकापुरी। अवंतिकापुरी का नाम बताइए तो, दूसरा नाम अवंतिकापुरी। जैसे आपने बताया मायापुरी का नाम हरिद्वार, बिल्कुल उसी तरह का अवंतिकापुरी का एक नाम है। चलिए मैं बताता हूँ। नहीं नहीं, नहीं है। अवंतिका उज्जैन को कहते हैं, तो उज्जैन भी पुरियों में आती है। तो अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका माने उज्जैन, छह हो गए, और सातवीं है द्वारका। पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, ये सात पुरियों में से किसी में भी हम रहें तो ये हमारी सातों पुरी मोक्ष देने वाली होती है। तो कहेंगे हम तो यहाँ शरीर में रहते हैं, हम कैसे रह सकते हैं। मोक्ष मिलता है, हाँ हाँ। तो हम आपको एक विषय थोड़ा सा, आप जरा सा, अब ये तो आपने कहा लेकिन आप श्रद्धा वाले हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको श्रद्धा रखनी चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि भावना अपनी जगह होती है। हमारे यहाँ हम लोग बताते हैं कि ट्रिपल डी फॉर्मूला एक बताते हैं महात्मा। ट्रिपल डी क्या है? एक है आपका, एक है डिवोशन, एक है डेडिकेशन, एक है डिटर्मिनेशन। तो डिवोशन टू गॉड, डिवोशन ईश्वर के लिए, और डेडिकेशन फॉर योर गाइड माने गुरु की ओर, और डिटर्मिनेशन वो सेल्फ के लिए है, अपने लिए। तो मैंने अभी आपको जो निवेदन किया, जो ये सात पुरियां बताई, तो यदि आप एक शंकराचार्य जी की एक बहुत प्रामाणिक बात हम आपको कहें, काशी में मरने से मोक्ष होता है, ये आपने सुना होगा। और अभी ये बताया कि सातों पुरियों में मोक्ष होता है, तो काश्याम मरणान मुक्ति ही। मैं जब काशी में रहता था तो 25 वर्षों में कम से कम हजारों बार हमने इस विषय पर बड़ी सभाएं सुनी और उनमें भाग भी लिया कि काशी में मरने से मोक्ष होता है, ये कहाँ तक सही है। इस बात के ऊपर अपने अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो काशी में तो ऐसा होता रहता है, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाते थे, आप बोलिए जी काशी में मरने से मोक्ष होता है। एक ने कहा हाँ होता है, पक्का होता है। तो बोले फिर ऐसा क्या करें, तो काशी तो छोटी सी है, दुनिया भर के लोग काशी में आ जाएंगे रहने को, तो तुम काशी में कैसे रख पाओगे। गवर्नमेंट से पूछो जरा, इंडिया की गवर्नमेंट के सब लोग काशी में आएंगे तो व्यवस्था करोगे, कैसे हो पाएगा। वो भी उसमें भी आप ध्यान रखिए, उसमें भी कहते हैं वाराणसी के वरुणा और असी दो नदियां हैं, उनके बीच में ही वो काशी है, बस वहीं। ये नहीं कि उसको एक्सटेंड कर लेंगे, आप एक्सटेंड भी कर नहीं सकते, उसमें पंच क्रोशी होती है, पांच कोश हैं, पांच कोश की यात्रा है, पांच कोश के पांच पंजे 25 कोश हो जाता है। 25 कोश माने अगर माइल्स लगाएंगे तो मील ज्यादा हो जाते हैं। तो ये जो, लेकिन वहां पर शंकराचार्य भगवान ने कहा कि ये तो एक साधारण व्यक्ति के लिए है, जो व्यक्ति बिल्कुल स्टार्टिंग करता है अपना लाइफ, और जिसको समझ नहीं है तो वो काशी में आ जाएगा तो वहां आके शरीर त्याग देगा, अंतिम समय में भी आकर के बस एक दिन के लिए भी आ जाएगा मरते समय, तो नंबर नंबर से जाएंगे, जब हमको शरीर त्यागना होगा तो हम काशी चले जाएंगे, पता चल जाएगा एक दो साल बाद। कुछ लोग बड़ी सावधानी से एक साल पहले चले जाते हैं, कई लोग छः महीने पहले चले जाते हैं, कहो सोचते हैं जल्दी से काशी ले चलो, पता नहीं मेरा शरीर ना छूट जाए, ऐसा भी लोग करते हैं। हाँ, तो वो मैंने एक उदाहरण दिया आपको। तो ये जो शंकराचार्य जी ने एक बात वहाँ पर, आप लोग सुबुद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो आपके लिए बताना बहुत जरूरी है। शंकराचार्य जी ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है तत्वबोध, आप पढ़ लीजिए। तत्वबोध में एक वाक्य मैंने पढ़ा, काश्यामपि
तत्व ज्ञाने नैव मुक्ति ही। बोले काशी में भी रहोगे तो वहां पर लोगों को तो एक डंडा मार दिया बड़ी जोर से काशीवासियों को। बोले काशी में भी रहोगे तो तत्व ज्ञान से ही मुक्ति होगी। उन्होंने कहा महाराज फिर तो कोई फायदा नहीं, तत्व ज्ञान तो कहीं भी हो सकता है, विदेश में भी हो सकता है। रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा का कहीं भी ज्ञान विदेश में भी कर सकते हो, जरूरी थोड़ी काशी में ही होना है। बोले काशी में भी वही होगा तो क्या फायदा हुआ, लेकिन फायदा है। आप लोग अपने घर में सुंदरकांड पढ़ लीजिए, वो मजा नहीं आएगा, वो मन बनेगा नहीं वैसा। आप घर में बैठकर कथा सुन लीजिए, हम आपके घर में चले जाएंगे, लेकिन वो आनंद नहीं आएगा। वो चीज आप रोज नहीं, इसलिए मंदिर में आना पड़ता है। बोले काशी में इतनी व्यवस्था है कि आप कुछ भी नहीं आपको आता है, लेकिन आप आ जाएंगे तो वहाँ गली गली में बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, और वहाँ लाखों करोड़ों अरबों खरबों कितने ही बड़े बड़े महात्मा वहाँ पैदा हुए हैं, वहाँ रहे हैं, वहाँ उनके परमाणु हैं। तो जैसे ही आप वहाँ जाएंगे तो आपके दिमाग में वाइब्रेशन ऐसी, कबीर जैसे महात्मा ने संकल्प किया कि मैं किताब छूंगा नहीं, लेकिन काशी में रहे तो दुनिया को हिला दिया। बड़े बड़े पंडितों को वहाँ काशी में, क्योंकि उनकी जो ग्रेस्पिंग पावर थी वो ज़्यादा थी, वो परमाणुओं को पकड़ लिया उन्होंने। तो कबीर जैसा कोई महात्मा दुनिया में हुआ नहीं, बड़े बड़े विद्वान उनके चरणों में झुकना पड़ा उनको। तो लेकिन ये विषय मैं आपको ज़्यादा ना बढ़ाऊँ। मैं एक आपको बहुत बहुत बढ़िया बात कहना चाहता हूँ। मैं अभी पढ़ रहा था, एक मेरे पास एक ग्रंथ है वो संस्कृत में, उसको मैं आज पढ़ रहा था, उसमें बड़ी अच्छी चीज़ मिली। हमारे हिंदुस्तान में तीर्थ हैं, मैंने ये बात काशी में भी सुनाई लोगों को, और आज संजीव जी ने अपने, संजीव जी की पत्नी का नाम इंदु जी ने अपने पिताजी की स्मृति में कुछ यहाँ सुंदरकांड रखा, 140 मंदिर में भी रखा, यहाँ भी रखा। तो मैंने देखा कि 8 तीर्थ ऐसे हैं, ये हमारे एक महात्मा हैं, उनका नाम है गार्ग मुनि ने ये लिखा है, इसका नाम है तीर्थाष्टक। मैं आपको सुना देता हूँ, एक बार सुन लीजिए, फिर इसकी मैं इसका मैं संक्षेप में अर्थ बता देता हूँ। इसमें 8 ही श्लोक हैं, 8 तीर्थ बताए, और वो 8 तीर्थ ऐसे हैं कि जो हमें, अब ये तीर्थ तो ऐसे हैं कि ये तो काशी में जाना पड़ेगा, लेकिन 8 तीर्थ ऐसे हैं कि आप कहीं भी इनका दर्शन कर सकते हो, और वो हमें हमेशा सुलभ हो सकते हैं, हमेशा मिल सकते हैं। कितनी बढ़िया बात है कि हम कनाडा में भी हैं, सरी में भी बैठे हैं, यहाँ कोई तीर्थ नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे पास 8 तीर्थ, 8 में से किसी के पास किसी को 2 मिल सकते हैं, किसी को 3 मिल सकते हैं, 4 मिल सकते हैं, किसी को 8 के 8 मिल सकते हैं। गिन लीजिए कौन कौन से हैं, तो जरा देखिए, कहते हैं नास्ति मात्र समम तीर्थम पुत्राणाम तारणाय च हिताय अत्र परत्रार्थम यैस्तु माता प्रपूजिता। नंबर 1 गिनो कौन तीर्थ, माता तीर्थ, माता तीर्थ है। माता तीर्थ में अगर कोई स्नान करे, अब माता तीर्थ में स्नान कैसे करोगे, वहां तो नाना तो है नहीं, लेकिन वहां उनके पास उनके चरणों को प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावे माता, माता तीर्थ में कैसे स्नान, तो वो माता की आज्ञा का पालन। माता बुरी भी है लेकिन उसकी सेवा यदि कर दी जाए तो तीर्थ स्नान का फल होता है, तो ये माता तीर्थ। दूसरा तीर्थ है पिता तीर्थ, ये कहते हैं पितृ तीर्थ। वेदैरपि च किं पुत्र पिता येन प्रपूजितः एष पुत्रस्य वै धर्मस्तथा तीर्थम नरेश्विह। तो कहते हैं हम वेदों की पूजा करते हैं, लेकिन वेदों से भी पहले जिसने पिता की पूजा की है, तो पिता की पूजा करना पुत्र का सबसे बड़ा धर्म होता है। पिता की पूजा संतान का धर्म है, पुत्र माने पुत्री का भी है, लेकिन पुत्र क्योंकि उन्होंने हमें ये मनुष्य शरीर दिया है, हम कितना उपकारी, इस शरीर में हमने क्या क्या आनंद भोगे हैं, सुख भोगे, और सबसे बड़ा आनंद हम भगवान का भजन कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। संसार के छोटे छोटे आनंद तो ऐसे हैं कि मिलते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हम सुख भोगते हैं लेकिन बाकी बहुत बड़ा दुख भी मिल जाता है। कई बार हम लोग दुख भोगते हैं छोटे सुख के लिए, लेकिन इतना बड़ा आनंद पिताजी की कृपा से हमें मिला, माताजी की कृपा से मिला। तो ये 2 तीर्थ हुए। तीसरा तीर्थ है